जो किया है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड झारखंड पे दो दिन पहले, अच्छा खासा व्यूज ला चुका है। इसके सिंगर है राम मरांडी और प्रनिधि, और इसके स्टारिंग है एजे और पूजा सोरेन, और इसे बनाया गया वन एंड ओनली छोटू लोहार जी के द्वारा, जो कि भाई बहुत ही ग्रैंड लेवल की वीडियो बनाते हैं। और उनका नाम सुनते मतलब ऐसा रहता है कि भाई वीडियो तो तगड़ी होनी ही है, मतलब बाकी सारी चीजों में तुम थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाओ पर वीडियो तगड़ी होनी है। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस गाने के लिए, तो चलिए रिएक्शन करते हैं, रिव्यू करते हैं और जानते हैं कैसे रहती है इसकी लिरिक्स, कैसे रहती है इसकी म्यूजिक, कैसे रहती है इसकी वाइब, सब चीज का आंसर मिलेगा सिर्फ यहाँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन का कारवा। तो भाई लोग कान में लगा गेट वन, चलिए शुरू करते हैं। सुरु बल्लीना जो कि है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स झारखंड पे दो दिन पहले, अच्छा वाला व्यूज ला चुका है और लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाकर जरूर चेकआउट करना। पर ये वीडियो देखने के बाद, अरे ये वीडियो देख लो जरा। तो चलिए शुरू करते हैं, 3, 2, 1 लेट्स गो। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स झारखंड प्रेजेंट्स। म्यूजिक काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ, काफी एक न्यू मेलोडी के साथ स्टार्ट हुआ है, जो कि भाई अच्छा लगा मुझे देख के। ठीक है, और इसकी म्यूजिक दी गई है, ठीक है, सत्या, दीपक, मुना, रफी, भाई साहब चार लोगों ने मिलकर इसे म्यूजिक दिया है। तो चार लोगों की क्रिएटिविटी अगर मिल जाए तो भाई तगड़ा भी कर सकता है और खराब भी कर सकता है। अभी तक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग विद नाइस वाइब और एक अच्छी क्या बोलते हैं मेलोडी के साथ हुई है, तो काफी अच्छा लग रहा है स्टार्टिंग में। अब आगे देखते हैं आगे म्यूजिक का क्या सीन है और किस तरीके से इसे बिल्डअप किया गया है, क्योंकि चार लोगों का नाम है तो चार अगर क्रिएटिव पीपल एक साथ म्यूजिक में बैठ जाए तो भाई म्यूजिक ग्रैंड लेवल की बनती है, बट खराब भी हो सकती है। तो चलो देखते हैं आगे का म्यूजिक और लिरिक्स कैसा है, लिरिक्स पे खासकर फोकस करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। पागल फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है और इसके लिरिसिस्ट है जो कंपोज करी गई है वो है धर्मा भाषी के द्वारा। तो भाई तो धर्मा भाषी का मैंने पहले भी सुना है और उनकी लिरिक्स ना काफी मतलब काफी अच्छी होती है, काफी एकदम सिंपल और बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं तुम्हारा रिलेटेड लगता है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि भाई उसी तरीके के गाने ये लिखते हैं और इनकी कंपोजिशन भी बहुत अच्छी रहती है। और इस गाने की अगर बात करूँ तो इस गाने की जो लिरिक्स है वो स्टार्ट होती है लाइक, देखो भाई एक लड़का है जो कि एक लड़की को फॉलो करते रहता है, ठीक है, और उसी टाइम पे वो बंदा मतलब देख के उसकी मतलब चाल को देख के लटक मटक देख के मतलब उसको फिदा हो जाता है उस पर, ठीक है, कोमल गाल देख के मतलब समझ रहे हो, इसी तरीके से एक छेड़खानी वाली लाइनें स्टार्ट होती है, ठीक है, जो कि लड़की के क्या बोलते हैं लड़की मतलब लड़के की तरफ से लड़की को कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर शुरू वली ना ठीक है, शुरू तुम बुलाएंगे चटनी बना, मतलब एक तरह से बोलो तो शुरू वली उसका नाम है, ठीक है, और शुरू बुलाएंगे मतलब जो उसकी फीलिंग्स की है जो वो एकदम पूरी मतलब बुरी तरीके से चटनी बना देती है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से। अक्सर ऐसा हमारे हम लड़कों के साथ होता है, क्या कर सकते हैं, समझती ही नहीं है लड़कियाँ, ठीक है। उसके बाद फिर लड़की उसी का काउंटर बात बोलती है, ठीक है,
कि तुम क्या बोलते हैं मेरे को फॉलो करता है, ठीक है, साइकिल से अपने, ठीक है, पतला दुबला लड़का है, ठीक है, मेरी सिंगारों पे, मतलब मैं क्या बोलते हैं एक तरह से फैशन सेंस पे मेरे, ठीक है, तुम फिदा हो रखा है, ठीक है, इसी के कारण मतलब प्यार में, मतलब ऐसे टाइप का ही, तो एक तरह से बोले तो प्यारी सी नोकझोंक है दोनों के बीच में, ठीक है, लड़के और लड़की के बीच में काफी प्यारी सी नोकझोंक है, और उसी के ऊपर ये पूरा गाना को बिल्ड करा गया है। और ये धर्मा बख्शी जी ने जो ये गाने को एक बहुत ही मेटाफरिकली जो लाइंस होते हैं, जो ब्यूटीफुल लाइंस होते हैं, सुंदर सुंदर लाइंस होते हैं, वो सब सजा कर जिस तरीके से बना है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, तुम्हें सुनने में अच्छी लगती है, वो जो नोकझोंक है वो तुम्हें काफी अच्छा लगता है, ठीक है, हालांकि ये चीज गलत है पर नोकझोंक है, ठीक है, गाना है भाई, गाने की तरह लो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ और काफी अच्छी तरीके से वोकल आती है, जो राम मरांडी जी का जो वोकल है बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने गाया है, जिस तरीके से लड़के का टोन में सेट किया उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से गाया। प्लस में प्रणीति का मैं पहली दफा कोई गाना सुन रहा हूँ, ठीक है, और उनका आवाज भी काफी काबिले तारीफ है, काफी अच्छी लगती है जब वो अपना कंटेंट जो बोलती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ओवरऑल सिंगर्स बहुत ही अच्छे हैं, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, ठीक है, प्लस में जो लिरिक्स लिखा गया वो काफी नोकझोंक और काफी रिलेटेबल लगेगा, ठीक है, डे टू डे लाइफ के लॉन्डो की कहानियां हैं, ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं भाई, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो उसी तरीके से चलता है ये गाना, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में तुमको, और काफी एक तरह से बोले तो स्टोरी वाइब डाली गई है, ठीक है, जो कि एक स्टोरी कन्वे करने की कोशिश करी जा रही है लिरिक्स के थ्रू, जो कि अच्छी बात है, मस्त लग रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे सुनते हैं, आगे और क्या चीजें हैं जो कि हम एक्सप्लोर करनी है। चलो तो भाई म्यूजिक बहुत ही अच्छी दी गई है, ठीक है, चार लोगों ने म्यूजिक दिया है और भाई लग नहीं रहा कि चार लोगों ने म्यूजिक दिया है, काफी अच्छा म्यूजिक है, काफी इंस्ट्रूमेंट्स का वेरिएशंस देखने को तुम्हें मिलता है, ठीक है, और काफी अच्छे तरीके से लेयर्स को बिल्ड करा गया है, ठीक है, मतलब कम से कम तीन चार लेयर एक साथ चलते हैं, वोकल के साथ चलते हैं, पर वो क्लैश नहीं कर रहे, ठीक है, वो एक डिस्टर्ब नहीं कर रहे वोकल को, जो कि जैसे जब राम गांधी सर का वोकल चल रहा तो ऐसा नहीं लग रहा कि म्यूजिक कहीं डिस्टर्बिंग या फिर कहीं ज्यादा लाउड लग रहा है, एकदम सिंपल और परफेक्टली चलता है, जो कि अच्छा है कि भाई डिस्टर्बिंग नहीं है वोकल, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि ज्यादातर क्या होता है कि म्यूजिक के जब लेयर्स ज्यादा होते हैं ना तो वोकल दब जाती है कहीं ना कहीं, वो दबता नहीं, इसमें वो दबा नहीं है, ठीक है, और इसमें वो खासकर क्या बोलते हैं तुम्हें रॉनेस और ये क्या बोलते हैं पंचीनेस सुनने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोनों सिंगर और वोकल बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स मास्टरिंग भी करी गई है, ठीक है, और बहुत ही सुंदर तरीके से रिकॉर्ड भी करी गई है। आमतौर पर क्या होता है ना संताली म्यूजिक इंडस्ट्री में मेन जो इशू होता है वो होता है रिकॉर्डिंग का, पर इसमें रिकॉर्डिंग का मुझे कोई इशू नहीं लग रहा, अच्छी तरीके से मिक्स मास्टरिंग करी गई है। प्लस में जो लिरिक्स है वो काफी सिंपल और काफी स्वीट रखा गया है, ठीक है, प्लस मुझे कॉम्पोजिशन है वो काफी अच्छी लगती है तुम्हें सुनने में, ठीक है, वो मजा आता है सुनने में तुम्हें कि इस तरीके की कॉम्पोजिशन चल रही है, जो कि तुम्हें हुक करके रखती है और एक काइंड ऑफ अच्छा वाइब देता है, तुम इंजॉय करोगे, तुम बहुत ही क्या बोलते हैं इस गाने को सुनोगे दो तीन चार बार ऐसे सुनोगे, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो काइंड ऑफ लूप में क्रिएट हो जाती है और तुम्हें लगता है कि भाई एक बार और सुनना चाहिए, दो बार और सुनना चाहिए, ऐसा वाइब है इस गाने में, जो कि बहुत ही अच्छा है, इस गाने को लॉन्ग टर्म चलने के लिए क्या बोलते हैं हेल्प करेगा कि भाई एक गाने को दो तीन बार लोग सुन रहे, ठीक है, और वो दो तीन बार एक एडिक्शन में भी बदल सकता है, तो अच्छी बात है। एक गाने के लिए सबसे बेस्ट फैक्टर यही होता है कि गाना लूप में चले, और वो ये फैक्टर देता है ये गाना, इस गाने में उसका फैक्टर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो आगे देखते हैं और आगे क्या सीन।
तो भाई सब गाना हो चुका है खत्म और गाना मजा है, मजेदार है गाना, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 मिनट का गाना है पर फील नहीं होता तुम्हें कि 5 मिनट का ये गाना है, क्योंकि इस तरीके से खत्म होता है गाना, इस तरीके से इसकी कंपोजिशन करी गई है, इस तरीके से म्यूजिक चलते हैं कि तुम्हें फील नहीं होता वो चीज़, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई देखो ये कोरियोग्राफी जो है, ठीक है, इसकी जो कैमराग्राफी है वो छोटू लोहार जी द्वारा कराई गई है और नो डाउट मतलब उनका जो काम होता है ना बहुत ही परफेक्ट होता है, बहुत ही कमाल का होता है, ठीक है। इसमें भी तुम कैमरा एंगल्स देखोगे इतनी स्पीड तरीके से मूव करता है कोई कोई स्टेप्स में, कोई कोई क्या बोलते हैं डांस में, कि भाई तुम्हें लगता है ओ भाई क्या कैमरा एंगल है और बहुत ही परफेक्ट वो तुम्हें देखने में लगता है सिंक किया गया है बीट के साथ, जो कि बहुत ही परफेक्ट लगता है। देखो भाई एक कोरियोग्राफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बीट, ठीक है। अगर बीट के अनुसार पूरा गाना मतलब स्टेप्स नहीं चलते ना तो फिर वो काइंड ऑफ मजा नहीं आता, ठीक है। वो बीट कहीं मिस नहीं होना चाहिए, पर इसमें सर ने बीट के साथ सिर्फ डांस तो मैच कराया ही कराया, प्लस में कैमरा को भी मैच करा दिया, जो कि बहुत ही सुंदर एकदम एक सिंक लगता है तुम्हें देखने में और वो बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क लगता है तुम्हें, ठीक है। तो छोटू लोहार सर का मतलब क्या तारीफ करूँ भाई, उनकी जो वीडियोग्राफी और जो डायरेक्शन है वो एक अलग ही लेवल की है और आने वाले टाइम में मैं मजाक नहीं बता रहा, ठीक है, अगर संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री को कोई बंदा टॉप पे लेके जाएगा तो वो है छोटू लोहार एज अ वीडियोग्राफी लेवल पे, क्योंकि भाई उनकी ग्रैंड लेवल की जो वीडियोग्राफी होती है, वो जो विजन होता है, ठीक है, और वो जो डांस परफॉर्मेंस को प्रोवोक करने का तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही यूनिक होता है, जो कि देखने में तुम्हें मजा लगता है। प्लस मैं अगर एजी और पूजा सोरेन की बात करूँ तो दोनों की केमिस्ट्री मैंने पहले भी देख रखी है, ठीक है, और इसमें भी वो केमिस्ट्री खासकर दिखती है, ठीक है। दोनों ही काफी क्या बोलते हैं नेचुरल के साथ आते हैं, ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि भाई कोई एक्टिंग चल रही है, ठीक है, इस काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि भाई हाँ देयर मतलब एक ऐसा फील होता है ना कि तुम्हें मेथड वाली फील होती है, ठीक है, एक्टिंग नहीं फील होती है। तो अच्छी केमिस्ट्री है, कमाल की दिखती है, ठीक है, और अच्छा लगता है तुम्हें स्क्रीन पे देखने में दोनों को। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी सही था, सिंगर जो राज मरांडी और प्रणीति थे उन्होंने काफी अच्छी तरीके से अपना काम किया, बाखूबी काम किया, ठीक है। और दोनों की आवाज की मैं क्या ही बात करूं, राज मरांडी सर का तो मैंने बहुत सारे गाने रिएक्ट किया, उनकी आवाज बहुत ही अच्छी है, ठीक है। प्लस में प्रणीति जिसको मैं पहली बार सुन रहा था उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रेस कराया मुझे, ठीक है। और छोटू लोहार सर एज यूजुअल लव अपने लव है, ठीक है, और उनका वीडियो तो भाई देखना है मतलब एज अ डिलाइट लगता है तुम्हें कि उनका वीडियो देखना है, क्योंकि भाई उनकी वीडियोग्राफी में बहुत ही अच्छी मतलब बहुत सारे काम होते हैं और एज अ वीडियोग्राफर मतलब मैं भी वीडियोग्राफी करता हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, जो सिंक्रोनाइज हो गई बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, कलर ग्रीड ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था शुरुवल्ली से और अच्छा रहा मेरा 5 मिनट का एक्सपीरियंस, बहुत ही सुंदर था, मुझे पता भी नहीं चला कि 5 मिनट कब खत्म हो गया। ओवरऑल मैं तो भाई रिकमेंड यही करूंगा कि जाकर तुम भी जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाकर जरूर देखो इस गाने को और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री की गाना है, ठीक है, और अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, कौन करेगा सपोर्ट, तो जाकर जरूर सपोर्ट करो, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देखो और फैला डालो, मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा प्यार दो इन्हें और हमें भी प्यार दो, हमें बताओ कि तुम्हें कैसा लगा हमारा रिएक्शन वीडियो, सही था नहीं था जो भी है बता दो जरूर, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, पुराने हो तो लाइक और कमेंट करके जाओ। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए तुम जाकर देखो शुरूवल्ली, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जरूर जाकर देखो और जितना ज्यादा उसके उतना ज्यादा सपोर्ट दो, और अगर हमसे जा रहे हो तो भाई एम्पायर स्टडी जरूर लिख देना, चलो भाई। इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा, फिर से मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, चलो बाय।